हम बनाएंगे अंकुरित मोठ चाट, ऐसी चाट जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, और स्पेशली जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो भी आप इस चाट को खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। ऑयल हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, अगर आप डाइटिंग पे है तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। अब मैं डाल दूंगी कुछ फ्रेंच बीन्स। मैंने फ्रेंच बीन्स और मटर डाल दिए हैं। इनको एक दो मिनट के लिए भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस थोड़ा क्रंची होने तक भुनेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ऑनियन, भी क्रंची होने तक भुनेंगे, एक आधा मिनट के लिए भुनेंगे। डालते हैं ग्रीन चिली और डालते हैं टमेटो। आप सब्जियां अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो सब्जियां आपको पसंद हो आप वो सब सब्जियां डाल सकते हैं, जो ना पसंद हो वो स्किप कर सकते हैं। टमेटो डालने के बाद थोड़ा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो नमक कम डालें, अदरवाइज आप डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। रेड चिली नहीं डालेंगे, बस ओनली नमक डालेंगे, हल्की सी हल्दी डालेंगे, जीरा डालेंगे, हल्का सा धनिया पाउडर डालेंगे बस। अब इसे थोड़ी सब्जियां पकने देंगे, सब्जियों को थोड़ा सा पकने देंगे, दो मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकने देंगे। सब्जियां हमारी क्रंची हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा डालेंगे चाट मसाला। गरम मसाला मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। और अब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं मोठ, देखिए अंकुरित मोठ जो कि मैंने अंकुरित कर लिए थे। अब इन्हें मिक्स कर देंगे। हाफ लेमन डाल देंगे और दो मिनट तक पकाएंगे। हमारी चाट बनकर तैयार है। बाउल में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चाट हमने बाउल में निकाल ली है। हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।